जीजू देखे, लेकिन वो नहीं, मतलब वहां से भाग गए, नहीं कुछ किए, और फिर पूरा इतना आदमी भर गए, तो कल भी नहीं हो पाया। अभी आया लेकिन था तो वो अभी फूल में कन्वर्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना साल से मैं वेट की थी कि ये वाला फ्लावर भी मुझे कभी धोखा नहीं देता है, हमेशा एक ना एक खिला ही रहता है। और ये वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्लॉग में। और गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आइए आप अच्छे होंगे, मैं भी घर का बढ़िया हूँ। काम असली खत्म हो गया है, कुछ कुछ बाकी है, बट दिन भर काम चलता ही रहता है मेरा। हमको ब्लॉग नहीं नहीं बना पाई, रात भी हो गया था, और दीदी लोग के यहाँ जो जाऊंगी बोली थी तो गई हुई थी, तो वहां पर एक सांप घुस आया था, तो जीजू देखे, लेकिन वो नहीं, मतलब वहां से भाग गए, नहीं कुछ किए, और फिर पूरा इतना आदमी भर गए, तो कल भी नहीं हो पाया। लेकिन बोले हैं कि करेंगे बोल के, तो आज से प्रैक्टिस शुरू होगा, तो दिखाऊंगी मैं कि कैसे क्या करेंगे। बहुत मजा आता है, बहुत इधर उधर, मतलब नहीं होता है ना स्टार्टिंग टाइम, प्रैक्टिस टाइम में मतलब ठीक से नहीं हो पाता है, तो बहुत हंसी आता है। तो उस बार तो ऐसे नहीं हुआ, पापा लोग थे तो आराम से ऐसे ही चॉइस की ओर हो गया था। तो इस बार देखते हैं, 2 दिन टाइम है, क्या करते हैं। तो मैं इस बार दिखाई थी मेरा फूल का जो जो गुलाब पौधा है उसमें कली आया था, तो वो अभी फूल में कन्वर्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना साल से मैं वेट की थी कि कब वो मतलब फूल खिलेगा बोल के, पर फाइनली खिल गया। ये वाला तो खिलता ही है, उस बार लगाई हूँ उसी टाइम से, छोटा था उसी टाइम से खिल रहा था, बट ये वाला जो है वो नहीं खिल रहा था, तो वो भी खिला है। तो मैं दिखाती हूँ वो कैसे है, वो पूरा गुच्छा गुच्छे होके होता है। तो ये रहा ये वाला फ्लावर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर छोटा छोटा हुआ है, थोड़ा बड़ा भी होता है, लेकिन मैं खत नहीं देती हूँ नीचे ना उसका जड़ में, तो इसीलिए छोटा ही हुआ है, पर अच्छा लग रहा है देखने में। और बहुत सालों के बाद हुआ है, इतना साल मतलब लगाई हूँ, 2 साल आसपास हो जा रहा होगा, 2 से ज़्यादा ही अभी हो रहा है। और ये वाला गुलाब का तो मत ही पूछिए, हमेशा एक ना एक फूल खिला ही रहेगा पेड़ में। और ये वाला जो है ये हमेशा मतलब इसका तो वो रहता ही है, जब भी देखो मेरे घर में, बाकियों का पता नहीं है कौन सा टाइम होता है उसमें नहीं रहता है, लेकिन हमेशा ये फूल खिला ही रहता है। इसीलिए मैं सारा गमला में लगा दी, सेबोती का लगाई थी, बट वो पानी नहीं देने के कारण वो मर गया आधा आधा सुधा। वो 2 गमला में ही है, फिर नीचे है, फिर उस तरफ है थोड़ा सा। तो उस दिन मेरे नानी लोग आए थे, वो लोग भी आधा सुधा ले गए, थोड़ा दी थोड़ा थी कि ले लेऊंगी बोल के, वो तो लोग लोग भी भी लिए। लिए। इसको ही लगाने से अच्छा रहेगा, ये नहीं मरता है जल्दी। उठने से भी अभी तक मैं नाश्ता नहीं की हूँ, कोई नहीं कर लूंगी। तो कल मैं कुछ पार्सल मंगाई थी मेरे लिए, देखते हैं वो कैसे आया है। और फ्लिपकार्ट में अच्छा ही आता है, बट देखते हैं कैसे आया है। सो ठीक है, मैं अभी अनबॉक्सिंग करूंगी उसका, वो पार्सल देखते हैं अनबॉक्सिंग करके कैसे आया है। पेन का, तो ये पेन काम आएगा। मैं हमेशा कुछ भी सामान फ्लिपकार्ट से ही मंगाती हूँ, पर अच्छा होता है, डिलीवरी भी जल्दी होता है। बाप रे, पैकेजिंग इतना हार्ड है। खुल जा सिम सिम। खुल गया। ये वाला प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ, कैसे रहेगा पता नहीं। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट का विटामिन सी फेस टोनर, अच्छा रहता है इसीलिए। तो इसका प्राइस पड़ा 355, बहुत ही था, पर ये 200 ml का है तो चलेगा। बहुत दिन, मैं बहुत यूज नहीं करती हूँ। हो लग गया। बहुत दिनों के बाद मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाई हूँ, बहुत दिन हो गया वहां से लौटी, उसके बाद नहीं, वहां जाने से पहले भी नहीं मंगाई थी, अभी मंगाई। हम लोग के घर में आजकल लकड़ी से ही खाना बना रहे हैं, हम लोग का लकड़ी भी खत्म हो गया है, इसीलिए आज हम लोग के घर में वो पेड़ काट रहे हैं, टहनिया काटेंगे उसका, और वो सूखेगा तो उसको ही हम लोग आग जलाएंगे, क्योंकि उसी बार किए थे हम लोग के बारी में, बहुत सारा पेड़ है हम लोग का, इसीलिए उसी को ही करते हैं। मैं रहती थी तो गैस में, मतलब सब्जी वब्जी जो भी रहता है छोटा मोटा उसी में करती थी, और हम लोग चावल तो मतलब क्या लकड़ी के चूल्हा में ही बनाते हैं, तो मम्मी रहती है तो वो अकेले सब चीज़ वही में करती है ना, इसीलिए ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए वो काट रहे हैं। पता नहीं कब सूखेगा वो, अभी धूप भी उतना नहीं दे रहा है, दे रहा है अभी तो, मतलब
बारिश छूटा है तो थोड़ा सा धूप, थोड़ा सा जोर से नहीं लग रहा है, थोड़ा कम ही लग रहा है, तो सूख जाएगा आई थिंक, सूखेगा तो उसको जलाएंगे। खत्म हो गया, दो चार ठो ही बचा है, कितना दिन चलेगा पता नहीं, दो दिन चलेगा और कुछ नहीं। तो ये वाला फ्लावर भी मुझे कभी धोखा नहीं देता है, हमेशा एक ना एक खिला ही रहता है। और यहाँ पर जहाँ पानी आता है हम लोग का ये नल का, तो ये वाला हमेशा ही खिलता है, उधर का सूख जा रहा है, उधर पानी नहीं देते हैं ना, तो फिर उधर का भी होता है और ये अच्छा दिखता है। लेकिन बारिश जब होता है ना, हवा चलता है तो ये गिर जाता है, लेकिन वो गिरा हुआ है, बारिश हुआ उस टाइम पर, अच्छा लगता है। इसका पत्ता मुझे बहुत पसंद, और ये रेड कलर का फूल भी मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैं लेके आई थी, लगाई बहुत सारा ये हो गया है। अभी तो घर में दिखाने लायक कुछ नहीं है, तो आज करते हैं। और मुझे लिखना भी बहुत है, हम लोग का असाइनमेंट दिए हैं, वो स्टार्ट की हूँ बट आधा लिखी हूँ, तो ठीक है, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज।